आवाज लाइव खबर का हुआ असर। बताया जाता है कि झंडा चौक जो कि हजारीबाग की शान मानी जाती है, कल ही की खबर चलाई गई थी कि लगातार लॉकडाउन की अवधि में ट्रैफिक व्यवस्था एकदम ही नहीं देखा जा रहा था। तभी आवाज लाइव ने खबर चलने के 12 घंटे के अंदर झंडा चौक की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार दिया गया और कई पुलिस कर्मियों की तैनाती आज सुबह से ही तैनाती देखी जा रही है और आज शाम भी नहीं लग रहा है, जो कि आम जनता को कम वक्त में कई काम निपटा कर 4 बजे के अंदर घर वापसी होने को रहता है। ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाने से जनता को परेशानी से निजात मिल पाएगा। आवाज संवाददाता सोनू केसरी की ओर से ट्रैफिक इंस्पेक्टर अरविंद बरांडी को झंडा चौक परिसर में जवानों की तैनाती होने से जनता को जाम से निजात मिल पा रहा है और भीड़ भाड़ नहीं लग पा रहा, जो कि हजारीबाग वासियों के लिए शुभ संदेश है। हजारीबाग से सोनू केसरी की रिपोर्ट। ये आप देख सकते हो झंडा चौक, यहाँ पे रोज की तरह भीड़ ऐसा ही है और यहाँ पे आगे जाके हम देखते हैं थोड़ा, आज पुलिस कर्मियाँ ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे आए हुए हैं और उन लोग ट्राई कर रहे हैं भीड़ संभालने को, यहाँ का ट्रैफिक संभालने को, जो उन लोग का डे टू डे एक्टिविटीज़ है उन लोग को संभालना चाहिए, बट आज देखते हैं इन लोग सक्षम हो पाते हैं ट्रैफिक संभालने के लिए या नहीं। आप देख सकते हो ये है झंडा चौक मेन, यहाँ पे ट्रैफिक कर्मियाँ कमांडो ऑफिसर सब खड़े हैं एंड दे आर ट्राइंग टू यू नो मेंटेन द ट्रैफिक। आवाज़ डेली की तरफ से कल ये मीडिया आया था और आज आप देख सकते हो कि इन लोग फिर ट्रैफिक संभालने के लिए चारों ओर पुलिस के कर्मियों लोग हैं और इन लोग ट्राई कर रहे हैं।